कि मेरे हाल पर हंसने वाले अब तालियां बजाएंगे, मेरे हौसलों के आगे वह भी सर झुकाएंगे। वे जान गए कि हालात एक जैसे नहीं होते, कुछ करने का जज्बा हो तो जज्बात भी एक जैसे नहीं होते। तो साथियों आज जो आपके ऊपर हंस रहे हैं, अगर आपका जुनून, आपकी जिद, अगर आपका तैयारी करने का एटीट्यूड है, तो वो कल आपके यानी कि आपकी सक्सेस के ऊपर तालियां बजाएंगे। दोस्तों, एक दौर हुआ करता था, उस समय जब भी मैं किसी वर्दीधारी को देखता था, जब भी मैं किसी पुलिस वाले को देखता था, तो मेरे यानी कि अंदर एक, जैसे बोलते हैं ना अपन, जैसे खून खोल रहा, तो वो वाली फीलिंग होती थी कि मेरा खून खोलने लगता था कि मेरे को किसी भी सिचुएशंस में वर्दी चाहिए ही चाहिए, मेरे को किसी भी सिचुएशंस में इस जॉब में जाना ही है। इससे पहले कि मैं अगर आपसे बात बताऊं तो साथियों, मैं क्या करता था, जैसे ही मैंने 12th की ना, तो उसके बाद में मैंने अपने सिविल इंजीनियर को एक डिप्लोमा हुआ है, जिन आपको बोला पॉलिटेक्निक को डिप्लोमा, तो मैं पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा में एडमिशन लियो। बिग बाद में कई हो के देखो, ज़्यादा जिस चीज़ में था कि ज़्यादा रुचि है ना, उसी चीज़ को था ना ज़्यादा, यानी कि माइंड बोले कि भाई आप इन चीज़ की तैयारी करना, तो मैं ज़्यादा फिर भी की तैयारी करी हूँ उन्हें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की। हालांकि वो चाल तो रही हो और मैं फर्स्ट ईयर को एग्ज़ाम भी दियो, उन्हीं दौर में हुई हूँ मारे, यानी कि 2018-2019 वाली जो वैकेंसी आई थी 2018 में लास्ट में मैं मिली है ज्वाइनिंग, तो ये वैकेंसी क्या थी कि उस टाइम में मेरी कॉलेज चल रही थी और ये वैकेंसी उस टाइम पर आई, तो मैंने क्या है कि मैंने उस टाइम पे एक जॉब भी मैंने ज्वाइन कर लिया था, एक कंपनी मैंने ज्वाइन कर ली थी, तो मैंने कंपनी छोड़ी और फिर तैयारी में मैं लगा। तो 2-3 महीने की मैंने तैयारी की और फिर एक ऐसा होता है कि जो हमारा पेपर लगाना, तो उस टाइम पे वो पेपर आउट हो गया, 5,500 की वैकेंसी और पेपर आउट हो गया, तो बिल्कुल माइंड अपसेट हो गया और बिल्कुल बहुत बुरी कंडीशन हो गई। मैंने कि चलो ठीक है, अपन तो प्राइवेट जॉब भी करेंगे, अब कोई ऑप्शन ही कोना, मैंने कि मैंने तो लास्ट वैकेंसी सोच और भी वैकेंसी में फॉर्म भरे, मैंने अब कोई ऑप्शन को नहीं और आपने मैं प्राइवेट जॉब भी करूँ। उससे पहले भी मैं एक राजस्थान पुलिस की वैकेंसी देखी, तो वे वैकेंसी भी मैं फाइनल मेरिट में, तो फिर 2018 वाली वैकेंसी आई, 2018 वाली वैकेंसी का जो है पेपर लीक हो गया ना, तो फिर मेरे बाद में वो वैकेंसी कैंसिल हो गई। वैकेंसी कैंसिल होने बाद में वो दोबारा वैकेंसी आई, तो 5,500 की वैकेंसी 12,500 की वैकेंसी हो रही। चलो बहुत अच्छी बात है, अपनी तो तैयारी देख के, तैयारी बहुत अच्छी तैयारी है और वर्दिन लेर वहीं जुनून काफ़ी, मतलब शरीर में बहुत ज़्यादा जुनून सो वर्दिन लेर। तो फिर वो 12,500 की वैकेंसी आई, तो मैंने तैयारी नहीं छोड़ी, फिर मैंने मतलब डबल पावर से मैंने तैयारी की। फिर जैसे कि फिर मेरे को 40-45 दिन का और टाइम मिला ना, तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 2-3-4 घंटे जो सोने में यूज लेता था, बस 2-3-4 घंटे ही वो मैं करता था, बाकी मैं 24 घंटे में से यानी कि 15-18 घंटे तक मैंने उस टाइम पे फिर मेहनत की। और फिर मैंने लगा कि चलो अब की बात तो 100% अपन निकालेंगे और मैं पॉजिटिव रहते थे, मेरे माइंड में कोई थिंकिंग होना ही कि आपने माइंड में कोई नेगेटिव थिंकिंग आई, बिल्कुल ही नेगेटिव थिंकिंग होना, मैंने कि चलो अब की बात तो सलेक्शन हो गई हो। लेकिन फिर लास्ट टाइम मेरे साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ कि मेरे पाँव में मोच आ गई। अब मेरी दौड़ 5 दिन बाद में मेरी दौड़ और मेरे पाँव में मोच आई होगी, तो मैं बैठे बैठे फिर भैया पछता रहे, मैंने कि चलो यार पेपर तो अपना जनरल से क्वालिफाई हो गया, लेकिन अब दौड़ आप कहीं पास करूँगा। तो फिर उसके लिए मैंने जैसी भी कंडीशन है, मैंने कि चलो दौड़ तो करना ही है। 5 दिन का टाइम में मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, तो सैनबोन की प्रॉब्लम है, यार नस फूल गई रहे, तो धीरे धीरे रिकवर हो गई। फिर उसके बाद में मैंने धीरे धीरे कैसे तैसे भगवान का नाम लेके मैंने दौड़ ओनली फॉर क्वालिफाई की। मैंने 15 में से मेरे 5 नंबर आए दौड़ में, ओनली फॉर क्वालिफाई की, लेकिन मेरे पेपर में आना, मैं टॉप नंबर थे मेरे पेपर में, यूँ समझो कि पेपर में मेरे 82% के आसपास में नंबर थे, तो फिर मेरा OBC कैटेगरी से सलेक्शन हो गया। और अगर मेरे टॉप यानी कि मेरे 10 या 15 नंबर आ जाते ना दौड़ में, 3 कैटेगरी में नंबर थे, 10 या 15 नंबर आ जाते, तो मेरा जनरल में यानी कि टॉप रैंक से मेरा सलेक्शन होता उस टाइम पे। तो ये दोस्तों आपके माइंडसेट यानी कि आपका दिमाग किस प्रकार से आप उसे कर रहे हो। अगर आपके दिमाग में है कि यार वैकेंसी छोटी सी आएगी, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो फिर वो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा आपका सलेक्शन। अगर आपके माइंड में ये है कि चलो होना ही होना चाहिए, कुछ भी हो जाए अपना होना ही होना, तो सलेक्शन होगा। इस वैकेंसी को लेकर भी आप तैयार रहें, बढ़िया वैकेंसी देखने मिलेगी और मैं थाने टाइम टाइम पे मोटिवेट मैं करता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।